अभिषेक ने मेरे पापा पे पूरे स्टिकर्स चिपका दिया, जो पर बना लिया है। मेरे ऊपर चिपका है अभी? क्या आपको पता भी नहीं है? ले और क्या पहले मेरे ऊपर चिपकाया था, फिर निकाल के ना उसने वो टॉय पे चिपका दिया, फिर निकाल के आपके ऊपर चिपका दिया। मैं तो भूल ही गया। एवरीवन गुड इवनिंग। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि फ्रिज आने वाला है, लेकिन बारिश की वजह से हमारा फ्रिज हमारे घर पे नहीं पहुंच पाया, जो अभी पहुंच चुका है। और सुबह सुबह जो हमारा पुराना वाला फ्रिज था वो मैंने मेड को दे दिया है, और अभी शाम हो चुकी है और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि अभी तक नहीं आया है, दूध ख़राब होने वाला ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ तो जो दूध के पैकेट थे वो मैंने सामने वाली आंटी के घर में रख दिए, और आइसक्रीम भी थी वो भी सामने वाली आंटी के घर में रख दिए। ओनली जो है अभी बहुत सारी सब्जियां बाहर पर, ये सब कुछ जो है मैंने किचन में ऐसे ही ओपनली रखा हुआ। फ्रिज भी आ चुका है नीचे, है वो चढ़ा रहे हैं ऊपर अभी। तो ये देखो सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, सब्ज़ी दही वो सब यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे डर था कहीं कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अब आ गया और ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं बार बार दूध को जो है गर्म करे जा रही थी, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा करके मैंने सुबह से कई बार गर्म कर दिया इसको, क्योंकि सामने वाली आंटी का घर में उनके आइटम्स भी बहुत रहते हैं, और फ्रिज का पतीला दूध का पतीला इतना बड़ा होता है उनके, उसमें अच्छा नहीं लगेगा रखना। पैकेट्स तो चलो कहीं पे भी घुसा सकते हैं। अभी अभिषेक जो है सो के उठ के आ चुका है, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 होने वाले, 5 मिनट बाकी है, और अभिषेक सो के उठ के आ चुका है और आदित्य का ट्यूशन चल रहा है। तो लेट्स सी। हमारा नया फ्रिज घर में प्लेस हो चुका है, जैसे कि आपने देखा अभी। ये रहा, कहाँ इसका हैंडल, कैमरा में देखने कहीं और ही दिखता है। तो इसका रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका रिव्यू करूँगी स्पेसिफिकली, क्योंकि एक नए टाइप का फ्रिज है, हमने पहली बार शॉप में देखा था, तो बहुत लोगों ने पहली बार देखा भी हो सकता है, कुछ लोग यूज़ भी कर रहे हो सकते हैं, तो रिव्यू मैं बाद में बनाऊँगी इसका। ये गोल्ड कलर का है और हमने पूरा मेजरमेंट लेके गए थे, इसलिए एकदम जो हमारी प्लेस है फ्रिज की एकदम करेक्ट प्लेस हो गया है। नीचे इसमें डीप फ्रिज है और ऊपर जो है रेगुलर फ्रिज है, तो कुछ ऐसा दिखता है ये। और अभी इसको ऑन नहीं करना है, वर्कर्स ने बोला है जब आप फ्रिज को प्लेस करते हैं ऊपर नीचे आने में जो है बहुत ज़्यादा हिलता है फ्रिज, तो उसमें जो कॉयल्स होती है वो भी मूव होती है, तो 1 घंटे के बाद आप ऑन कीजिएगा तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये एक टिप है आप लोग के लिए, अगर आप भी नया फ्रिज कभी लेते हैं, और जनरली जो है फर्स्ट फ्लोर पर या कहीं पर भी थोड़ा जब हम उठा के इधर उधर करते हैं तो उल्ट फुल्ट होती है, तो थोड़ा देर के बाद ही उसको ऑन करना बेटर रहता है। बाहर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, ये क्या वाइट वाइट हो रहा है। हाँ, तो बाहर अभी बहुत दूर से म्यूज़िक चल रहा है, मैं बात भी करूँगी तो सुनाई नहीं देगा। तो अभी 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर के बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, वो स्टिकर्स पूरे मैं निकाल दूँगी।
सारे स्टिकर्स भी निकाल दिए हैं और जो भी आइटम्स बाहर थे ख़राब होने वाले, दूध सब्ज़ी वो सब अंदर रख दिया है। तो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। व्हाट, चेयर ऐसे खिसका रहा है आदित्य। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी रिव्यू करने के बाद, तो इसलिए वेट करते रहना मेरे रिव्यू का कि आपको ये वाला फ्रिज कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ऑप्शंस है, कितनी ट्रेस है, कहाँ पे क्या रख सकते हैं आप, और कैसे अपने फ्रिज को बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड ये सब कुछ बना सकते हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। तो अभी जो है आदित्य का ट्यूशन भी ख़त्म हो चुका है तो उसको खाना खिलाना है, तो मैं थोड़ा सा अभी राइस रख देती हूँ। गुड इवनिंग। तो मैं व्लॉग जो है बिल्कुल बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में ऐसा होता है ना कि आप बार बार अगर कैमरा लेके घूमना शुरू कर देंगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। मतलब रेगुलर फैमिली मेम्बर्स तो चलता है क्योंकि उनको भी आदत होती है, हमको भी आदत होती है। तो पापा जब तक घर में थे तो मैंने इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, जब वो आए थे तब मैंने आपको दिखा दिया, और अभी थोड़ी देर पहले 3 दिन से मेरे ख्याल से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है। तो अभी मेरे पापा जो है 3 दिन के बाद अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, आधे घंटे पहले चले गए हैं, कुछ ज़रूरी काम था वरना और दिन भी रहते फिर आ जाएंगे थोड़े दिन में काम वाम सिमटा के। और अभी जो है शाम के 6:30 हो चुके हैं और आज हमने सोचा थोड़ा जल्दी इसको स्केटिंग के लिए लेके जाते, क्योंकि इसका जनरली जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा लेट वाला टाइमिंग है, तो अगर हम उस टाइम पे जा रहे हैं तो रात को आते तो बहुत लेट हो रहा है, 9-10 बज जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो जल्दी लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये कुर्ता पहना है और थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना वो वाला वीडियो अपलोड करा, तेल वाला, आपने देख लिया होगा जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रही होंगी, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है। प्लस मेरा, मैंने लाइव में भी बताया था, 2-3 दिन से मेरे चैनल के साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ स्टक हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो मैंने अपने लाइव में भी डिस्कस किया था। फिलहाल अभी हम चलते हैं स्केटिंग के लिए, आदित्य बहुत इम्प्रूव कर चुका है अपनी स्केटिंग में, सो उसको स्केटिंग करते हुए देख के मन को बड़ी खुशी होती है। जब बच्चे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें अचीव करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि नहीं, है ना? तो चलिए चलते हैं अभी। तो हम लोग बाहर से आ चुके हैं, ऑलरेडी 11:30 हो गए हैं अभी, और सब्जियां लेके आए हैं जो हमारा रेगुलर मार्केट होता है वहाँ से, अभी सब्ज़ी अरेंज करनी है। तो मैं शीन के जो कपड़े आते हैं ना
उसमें कवर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने बोला चलो उसमें लगते हैं, जिप लॉक भी है तो, और कहीं यूज़ करने का भी मतलब मौका नहीं मिला है, इतने कपड़े रखते, मतलब मेरे कपड़ों के लिए तो बैग से आपने देखे होगा मेरा वार्डरोब, तो वो मैं बैग अभी यूज़ करके अरेंज कर देती हूँ जल्दी जल्दी, बड़ी नींद भी आ रही है। तो ये रहे वो वाले बैग्स, ये रही अपनी सब्जी। ये देखिए मैंने सब कुछ सॉर्ट करके अलग अलग कवर्स में डाल दिया, ये है कचरा और पत्ते वाले भी सॉर्ट करके रख लिए हैं, ये किसी कवर में नहीं आएंगे, इसको डायरेक्ट डाल दूँगी मैं, मतलब आ जाएंगे लेकिन इनको खुला डाल सकते हैं। तो ये रहे मेरे शीन के कवर्स जिसमें मैंने रख दिया है, और जिप लॉक है तो काफ़ी कन्वीनियंट है निकालना और रखना, और अब मैं इसको अपने नए वाले फ्रिज में रख लूँगी। और मैंने फ्रिज में अरेंज कर लिया, और कड़ी पत्ता मैं ऐसे अलग करके ना एक डब्बे में रखती हूँ, वरना रोज जो है उसकी डंडियाँ निकलती रहती है। चलो बस हो गया, अब गुड नाइट, सुबह मिलेंगे आप लोगों से। और आप लोग भी ना जब भी सब्ज़ी लाते हैं आप दो काम कर सकते हैं, एक तो सारे कवर्स जो है मंडी में ले जा सकते हैं, एक एक कवर में एक एक चीज़ डलवा सकते हैं, तो आके जो है आप डायरेक्टली फ्रिज में रख सकते हैं। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन कभी कभी सफिशिएंट कवर नहीं रहते हैं, या तो सडनली जो है सब्जियाँ खरीदते हैं तो ऐसे एक साथ एक कवर में लेके आना पड़ता है, तो जो मैंने पहला वाला मेथड बताया वो कन्वीनियंट है। और दूसरा, अगर आप घर पर आने के बाद भी उसको सॉर्ट करके रखेंगे तो जब भी आप खाने बनाने जा रहे हैं तो आपको तब जो है सब कुछ छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक अपना वीडियो बना रखा है वेजिटेबल अरेंजमेंट में मैं कैसे करती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। पहले मैं क्या करती थी, सारे जो भी वेजिटेबल्स होते थे ला के पूरा धो धा के सुखा के सब कुछ करती थी। अगर थोड़ा भी, अब मैंने वैसा करना बंद कर दिया, मतलब सेम अरेंजमेंट तो सेम होता है, लेकिन ओनली डायरेक्टली आने के बाद धो के रखना बंद किया है, क्योंकि धो के रखने के बाद क्या होता था, अगर थोड़ा सा भी गलती से भी कहीं पर भी पानी रह गया और किसी भी सब्ज़ी में, तो वो जो सब्ज़ी है ख़राब होने लगती थी, मतलब एक अगर टमाटर ख़राब है तो बाकी सारे टमाटर भी ख़राब कर देता था, तो सभी सब्जियों के साथ ऐसे होता था, तो वेट नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी जो है हम जल्दबाजी में थोड़ा भी जल्दी रख देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे भी जब बनाते हैं तब तो धोते ही, इसलिए मैं ऐसे सॉर्ट करके झाड़ झूड़ के रख देती हूँ। तो बताना ऐसे करना सही है कि नहीं, या पहले वाला प्रोसीजर ही फॉलो करना है, बट लेट मी नो, बट उसमें लॉस हो रहा था इसलिए मैंने चेंज किया टेक्निक, बट स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो चाय के साथ आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इसी सेम ब्लॉग में। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और बेडशीट चेंज करनी है, तो अभी वैसे चाय थोड़ी गर्म है और साथ साथ थोड़ी जब ठंडी होती रहेगी मैं बेडशीट भी साथ साथ चेंज कर लूँगी, तो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ। आप लोगों का मुँह मीठा कराना है मुझे, कैसे कराऊँगी बताती हूँ अभी।
पैक, मैंने बेडशीट बिछा दिए, सब कुछ कर दिया है, चाय भी ख़त्म कर ली और कंघी भी कर ली है एंड लिपस्टिक भी ज़रा चेंज करी है। बहुत दिनों से मैंने डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई थी, रोज़ जो है लाइट लगा रही थी और आप लोग बोल रहे थे आप लाइट मत लगाया करो, डार्क लगाया करो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइट लगाना छोड़ दूंगी, बट क्योंकि आप बोल रहे थे फ्रिक्वेंटली तो मैंने डार्क भी लगा ली। कौन सी लगाई है वो मैं बता दूंगी। और मैंने कहा था कि मैं आपका मुंह मीठा कराने वाली हूँ, तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं आपका मुंह मीठा, इतनी दूर से आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ वो नहीं करा पाऊँगी, लेकिन आपका मुंह नीला पीला रंगीला ज़रूर बना सकती हूँ। वो कैसे, क्योंकि मैंने फ्रिज खरीदा है तो आपको मैं कैसे खिलाऊँ ये खुशी का लड्डू या जो भी है, मैंने सोचा। तो purple.com ने इसमें मेरी हेल्प कर दी कि उन लोगों ने जो है अपने वेबसाइट पे एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र, मतलब कम्प्लीटली 100% कैशबैक वाला ऑफ़र निकाला है। उसमें आपको 500 रुपये तक मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं बताती हूँ। और कैशबैक कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स पे है, तो कौन कौन सी ब्रांड्स है उसमें से मैंने कुछ आइटम्स मंगाए हैं जो अभी मेरे फेवरेट है, क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे और कुछ आइटम्स मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए थे। तो मैंने क्या क्या मंगाया वो दिखाती हूँ। एक तो ये वाला लिपस्टिक है शुगर का, मैंने अभी तक एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो शुगर का कुछ यूज़ करते हैं। और मैंने ये वाली लिप शेड लगाई है, लगाते टाइम इसका टेक्सचर कुछ और था और अभी कम्प्लीटली मैट हो चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है कि नहीं। और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस बस प्राइमर लगा के पाउडर लगाया और कुछ भी लगाया, काजल नहीं लगाया, कुछ भी लगाया, जस्ट प्लेन है, ताकि आपको इसका ओरिजिनल कलर जो है लिपस्टिक का वो पता लगे, इसलिए मैंने और कुछ भी नहीं लगाया। नेचुरली ऐसा दिखता है ये कलर, तो काफ़ी अच्छा है ना, डिटो है कि नहीं। तो क्योंकि मैं कि लिप्स की भी प्रॉपर केयर लेती हूँ, इसलिए दोनों लिप्स पे प्रॉपर ये आ रहा है कलर, वरना अलग अलग लिप्स पे अलग अलग वो आता है। वैसे जो मेरा नीचे वाला लिप है वो थोड़ा लाइट शेड में रहता है, लेकिन जो पपड़ी वपड़ी निकलती है ना वो नहीं निकलती है। और अगला आइटम है ये मेकअप, क्या बोलते हैं इसको, मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटर बोल रही थी, वो भी बोल सकते हैं, मेकअप फिक्सर। ये लिया मैंने, आज तक कभी ये यूज़ नहीं किया था। जब भी मैं मेकअप करती थी तो उसको सेट करने के लिए लास्ट में मैं गुलाब जल यूज़ करके उसको सेट करती थी। जिसने अभी अभी मेकअप स्टार्ट किया है वो वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी मेकअप स्प्रे है जो पूरा मेकअप करने के बाद आपके मेकअप को बहुत अच्छी तरह टिकाता है। तो ये देखिए एकदम वाटरी, ट्रांसपेरेंट वाटर टाइप में ही रहता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ होता है जो टिकाता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल मैंने कुछ मेकअप किया नहीं, इसलिए अभी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका मैं आपको बताती हूँ कि कैशबैक कितना मिलेगा। इसका रेट लिखा है यहाँ पे 649। तो मैंने जैसे कि बोला कि आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, तो अगर आप ये शुगर के आइटम्स कोई भी खरीदते हैं, और भी मैं दिखाऊंगी कौन कौन से ब्रांड है, अगर आप शुगर के आइटम्स कोई भी खरीदते हैं तो अगर ये 649 का है तो माइनस 500 कर दो, आपको ये आइटम 149 का आ जाएगा। सच अ ब्रांडेड प्रोडक्ट इन सच अ चीप रेट, इमेजिन है कि नहीं फ़ायदे की बात। तो ये हो गया एक, और लिपस्टिक मैंने दिखा दिया आपको। उसके अलावा मेरे पास जो आईलाइनर था जो भी SQ के और वो सब थे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार iAmsterdam का भी ट्राई करते हैं। तो iAmsterdam पे भी वही फुल कैशबैक का ऑफर चल रहा है, और इसका ये नीचे का लोटा जैसा लग रहा है मेरे को, छोटे से घर में ना स्टील के बर्तन जो रहते हैं ना उसमें ऐसा लोटा सा रहता है। तो फिलहाल अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बाद में हम ज़रूर लगाएंगे। तो एक ये लिया है और नेल पेंट लिया है, NYBA पे भी सेल नहीं, कैशबैक कम्प्लीटली 100% कैशबैक चल रहा है। तो एक ये कलर का, ये वाला कलर लिया है, ओ और ये वहाँ से नहीं लिया है, ये मेरे पापा लाए थे, तो जब से पापा लाए हैं इसके अलावा भी फिर थे, लेकिन ये थोड़ा भारी वाला लोहे का है तो बार बार घुमाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बोलते इससे बहुत स्ट्रेस बस्ट रहे, कैसे स्ट्रेस बस्ट होते पता नहीं। तो अभिषेक नहा के आ चुका है, मतलब जब मैं नहा रही थी तब ये सो रहा था और मेरे हस्बैंड ने नहाया नहीं था, तो उनकी बारी आ गई नहलाने के लिए, तो ये नहा चुका है। से हाय अभिषेक, इसके हाथ अंदर बंधे हुए हैं, ये शोले का क्या बोलते हैं वो, टाइगर नहीं नहीं कौन है यार वो, क्या डाले इनके सामने मत नाचना वो वाला हो गया है। से हाय, वेयर आर योर हैंड्स। तो अभी इसको मैं जरा कपड़े बना देती हूँ और ऑफर को उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ अभिषेक इज रेडी, नाउ से हाय अभिषेक। ओके शर्ट देखो अच्छी है कि नहीं, बोलो, पूछ रहा है आप लोगों से। इट्स नाइस चेड्डी, ओके अच्छा चेड्डी भी देख लो, एवरीथिंग इज नाइस बेटा। देखो मैंने पप्पी लिया और इसको बिल्कुल कोई कलर भी ट्रांसफर नहीं हुआ। व्हाट इज दैट, काकलेट? नो इट्स नॉट देयर, नॉट देयर।
ओके नाउ से बाय 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 ओके सो अभिषेक ते टाटा बाय बाय कर दिया और हमारा ऑफर सेल नॉट सेल जो 100% कैशबैक का ये लास्ट आइटम है गुड वाइब्स का आइटम. तो अगर आपको गुड वाइब्स चाहिए आपके घर में अच्छी खासी वाइब्स चाहिए चारों तरफ से तो गुड वाइब्स के आइटम जो है पक्का यूज़ करना है क्योंकि काफ़ी अच्छे होते हैं इसके प्रोडक्ट्स. तो ये जो है एक गुड वाइब्स का नीम का स्क्रब है. आपको कोई ना कोई स्क्रब तो पक्का यूज़ करना चाहिए. अगर आपके पास बहुत सारी वैराइटीज गुड वाइब्स का आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ही डू वंडर्स एंड डू ग्रेट जॉब. तो वीकली आपको दो बार करना चाहिए स्क्रब, ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है. एनीथिंग एक्सट्रीम इज ऑलवेज डेंजरस सो यू मस्ट यूज थिंग्स एज प्रिस्क्राइब्ड और एज इट इज सपोज टू बी यूज. तो ये एक आइटम था. तो मैंने आपको कितने ब्रांड दिखा दिए, गुड वाइब्स, शुगर, फेसिस, एन वाई बे एंड आई एम्स्टरडैम. तो ये पाँच आइटम्स में जो है आपको purple.com पे 100% की 100% कैशबैक ऑफर है. तो आप इसको अवेल कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं इन सभी ब्रांडों में से चाहे वो कितने का भी, अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो आपको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे. तो मतलब आपको ऑल इन ऑल फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है. अगर आपने 700 रुपये की चीज़ खरीदी है तो आपको तब 100 रुपये जो है कैशबैक वापस मिलेगा, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा. लेकिन अगर आप वही चीज़ इन सब ब्रांड्स को कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेंगे. अगर आप इसको परचेज करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से तब जो है जो कैशबैक है वो आपके वॉलेट में गिर जाएगा और उसको आप दोबारा कुछ भी परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते. तो है ना मज़ेदार बात. तो ये ऑफर जो है इस अक्टूबर 10 तारीख तक है. तो जो भी फ़ायदा उठाना है उससे पहले पहले उठा लीजिए. मैं लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो क्या उठाया. तो इसलिए मैंने बोला है कि मैंने आपका मुंह मीठा करा दिया है कि नहीं, तो मुंह मीठा ज़रूर कर लेना. पर्पल निकलता ही नहीं है, पर्कल निकलते हैं purple.com पे जाके. ठीक है, तो आज का यस नाइस. वो जो इसके ऊपर स्टिकर्स आते हैं ना, वो सारे स्टिकर्स निकाल के मेरे पापा के ऊपर, मैंने जो दिखाया भी है वीडियो में, मेरे ऊपर लगाता है कभी, अपने पापा के ऊपर लगाता है तो ऐसे करता रहता है. हाँ दे देखो. तो ये 3 दिन से मेरा व्लॉग चल ही रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है. कभी कभी ऐसा ही होता है मुझसे व्लॉग बड़े लंबे चल जाते हैं जब मैं कहीं दूसरी जगह जाती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह को ज़्यादा एंजॉयमेंट करने में बिजी हो जाती हूँ. क्योंकि हर जगह अगर कैमरा लेके खड़े हो जाओगे तो आप क्या एंजॉय करोगे, है कि नहीं. तो मैं यही नहीं बता रही जो यूट्यूबर्स हैं वो ही नहीं कि कैमरा लेके घूमते हैं. जनरली भी आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है, बेशक वो लोग कहीं वीडियो डालें ना डालें लेकिन देखने के लिए पक्का खींचते. लेकिन पहले एंजॉय करो और उसके बाद जो है वीडियोस निकालो. ठीक है, तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर क्या करना है, चिपका देना अंगूठा वहाँ पर जो थम्स अप वाला बना हुआ है ना आपके स्क्रीन के नीचे, उसको ज़रूर एक बार टच कर देना. वो ब्लैक कलर में वो ब्लू हो जाना चाहिए. नाइस इनको. और उसके बाद शेयर कीजिएगा क्योंकि इतना बड़ा अच्छा खासा मैंने आपको जो लड्डू खिलाया है, मुंह मीठा कराया, तो सबको मिलना चाहिए ना लड्डू. तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना क्योंकि हर एक आइटम आपको मिलेगा. क्योंकि एक एक ब्रांड में आपको अलग अलग वैराइटीज मिल जाती है, नॉट ओनली मेकअप बट अदर क्रीम्स और लोशंस और फेस वॉश सब कुछ मिल जाता है. तो जो लोग मेकअप नहीं करते वो लोग फेस वॉश तो यूज़ कर ही सकते हैं. व्हाट हैपेंड टू माय टंग. तो ये था. तो शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी है ना, घंटी, उसको ज़रूर टंग करके मार दीजिएगा. क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे आप इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, बट देर इज़ नॉट अ सिंगल डे व्हेन आई हैव नॉट अपलोडेड माय वीडियो. हर दिन आपको वीडियो मिलेगा. अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस भी नहीं देखे हैं, कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. बहुत लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो इसलिए घंटी ज़रूर बजाओ तो नोटिफिकेशन आएगी, सब कुछ आएगा, तब आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो चलिए अब फाइनली टाटा बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब खैर.